वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। लास्ट क्लास में जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग था उसका आपका टॉपिक क्या चल रहा था? आपका जो टॉपिक था ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल से पहले देखो एक ट्रैफिक सिग्नल मेथड। ट्रैफिक सिग्नल मेथड्स था लास्ट, उसमें देखो आपका इंटरसेक्शन जो है वो आपका बचा हुआ था। ठीक है ज्योति, ओपन करने ठीक है। ओके सुनो, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। इंटरसेक्शन क्या होता है ये सुनो पहले। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जब अपने पास क्या होता है, ये हम बोल रहे हैं ये रोड है, ये रोड ए है, ये रोड बी है। रोड ए पे आपके क्या है व्हीकल्स, मतलब आपके क्या है यहाँ पे रोड ए पे व्हीकल्स आ रहे हैं। रोड बी पर यहाँ पर पे कोई क्या है व्हीकल जा रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम ये बोल रहे हैं, जहाँ पर ऐसे पॉइंट जो मीट कर रहे हैं, दो आपके क्या हैं वे मीट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स को अपन क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, और इनको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, देखो ये रोड है और एक ये रोड है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन दिखा रहे हैं। जब भी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में आपको हमेशा पूछेगा नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछता है, पूछेगा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट और एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। सुना, यहाँ पर आपके पास याद रहना चाहिए आपको कि इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या है ये नंबर ऑफ लेन्स और नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम सिर्फ टू रोड की बात करेंगे और 24, 11 और 6, इसको बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत बार आता है कि आपका क्या बोल रहा है रोड ए टू है, रोड बी भी टू है, मतलब क्या हुआ टू वे है, ठीक है सॉरी टू लेन है। बोथ रोड क्या है, अभी बोथ रोड यदि टू वे है तो आपने 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, यदि वन रोड तो आपका वन वे है, एक रोड आपका क्या है टू वे है, तो कौन से कॉन्फ्लिक्ट होंगे 11 कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और बोथ रोड जो है वो वन वे हैं तो आपके को कितने होंगे, आपके होंगे 6 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। अब सुनना, ये जो है ये तो आपको याद रखना है कि रोड ए टू है, रोड ए थ्री है, मतलब कि टू लेन है, थ्री लेन है, तो 24 है, 11 है और 8 है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा कि 24 है, मतलब कि टू है, टू ही लेन है, टू ही वे है, तो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे 24, ठीक है। तो हम 24 देखेंगे कैसे हुआ और 6 कैसे हुआ, ये दोनों ही देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आपका सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले कंडीशन की, इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। कंडीशन ने क्या बोला है कि बोथ रोड वन वे है और दोनों ही क्या है टू लेन है, दोनों ही क्या है टू लेन है। सुनना, यहाँ पे टू लेन रोड का मतलब क्या हुआ, मैं बोल रही हूँ ये आपका क्या है, ये आपका रोड है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है टू रोड्स का। मैंने बोला कि ये रोड ए है, ये रोड बी है, याद रखना जब भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की बात कर रहा है, जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा है तो कौन कौन के कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक होता है डाइवर्जिंग, एक होता है मर्जिंग, एक होता है वीविंग, एक होता है क्रॉसिंग, चार टाइप से चीजें होती हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कैसे कैसे क्रिएट होता है, या तो क्रॉसिंग हुआ, या आपका मर्जिंग हुआ, या आपका वीविंग हुआ, या आपका डाइवर्जिंग हुआ। जब भी अपन मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हमेशा मर्जिंग, वीविंग और क्रॉसिंग होता है, डाइवर्जिंग हमेशा माइनर कॉन्फ्लिक्ट में आता है। इसीलिए हम माइनर कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, माइनर कॉन्फ्लिक्ट को अपन ऐड नहीं करते जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। यदि 24 है तो 24 में से अपन ने माइनर अपन ने इंक्लूड नहीं किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पोटेंशियल आपका कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है मेजर कॉन्फ्लिक्ट में, तो हम माइनर कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते। तो याद रखना कि मर्जिंग, वीविंग, क्रॉसिंग, ये तीन जो है इनको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, कॉन्फ्लिक्ट्स में, एक्सीडेंटल चांसेस में। रोड ए देखो, सबसे पहले हम बोल रहे हैं रोड ए पे वन वे है, हम बोल रहे हैं रोड ए पे वन वे है, रोड बी पे भी वन वे है, ये भी टू लेन है, ये भी टू लेन है, ये भी टू लेन है और ये भी टू लेन है,
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका रोड ए और रोड बी पे आपको पॉइंट्स निकालने हैं। अब सुनना, हमारे पास ये व्हीकल्स जा रहे हैं और एक ये व्हीकल जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन, इंटर कनेक्शन मतलब एक तरह से कहाँ पर होगा, जहाँ पर दो व्हीकल आपस में मर्ज हो सकते हैं, दो व्हीकल आपस में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है और यहाँ पे कोई व्हीकल आ रहा है, तो कहाँ कहाँ पे होता है, ये एक पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, चार तो ऐसे पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट हो गए जहाँ पर आपका क्रॉस कर रहा है और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस पूरे हैं। एक कहाँ हुआ कि आपका देखो रोड ए पे जा रहा था ट्रैफिक, मतलब आपका व्हीकल, और आप उसको मर्ज कहाँ होना है, उसको जाना है इस रोड पे, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जा रहा था और उसको मुड़ना यहाँ पे था, तो उसने क्या किया, यहाँ पे जा रहा था और यहाँ पे मूव किया, तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो सकता है। इस पॉइंट पे भी क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट हो सकता है। अब दूसरी चीज कि रोड बी पे जा रहा था और उसको इधर की साइड जाना है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जा रहा था, इस लेन में जा रहा था और इसको यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्रिएट होगा। अब याद रखना, मैंने बोला कि चार तो ये रहे, दो ये रहे, मतलब क्या हुआ, सिक्स आपके कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गए, लेकिन जो सिक्स हैं इसमें ये जो दो हैं इसको तो अपने लिया है मर्जिंग, और जो चार हैं इनको लिया है अपने क्रॉसिंग। अपन ने यहाँ पे डाइवर्ज जो है, टू जो है, ये एक यहाँ से डाइवर्ज हुआ है, एक यहाँ से डाइवर्ज हुआ है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना है कि डाइवर्जिंग को इंक्लूड नहीं करते जब ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया, सिक्स आया। अब समझ में आया सिक्स कैसे आया, फोर तो क्या क्रॉसिंग के और टू क्या हुए मर्जिंग के। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि बोथ रोड टू वे, इसका वाले हम बढ़ते हैं कि बोथ रोड जो है वो टू वे है और टू लेन ही है, तब कैसे डिस्कस करेंगे, जब कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये क्वेश्चन में आती रहती है, कभी कभी पूछ लेता है कि थ्री लेन है, थ्री लेन है, दोनों साइड टू वे है, कितने होंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, 24 होंगे, वन वे है और एक रोड टू वे है, 13 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, बोथ रोड वन वे है तो कितने होंगे, 11 होंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 24, 11 और 6, 24, 11 और 6। देखो अब 24 का देखते हैं कि 24 कैसे बने। देखो 24, हम ये बोल रहे हैं 24 यहां पर, देखो ये आपका क्या है, रोड है, दोनों साइड टू वे करना है। टू वे करना है मतलब क्या हुआ, दोनों रोड पे टू वे है, दोनों रोड पे टू वे है मतलब क्या हुआ, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट यहां से भी क्या हो रहा है, आपका एक ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक ऐसे जा रहा है और दूसरा ट्रैफिक कैसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको रोड ए बोल दो, इसको रोड बी बोल दो, ये रोड ए है, इस पे कितना है, कितने लेन मान रहे हैं अपन, अपन मान रहे हैं टू लेन है और ट्रैफिक भी टू वे है, टू लेन टू वे ट्रैफिक। रोड बी में भी हमने ये बोला टू लेन है और टू वे ही ट्रैफिक है, टू लेन है और टू वे ही ट्रैफिक है। अब सुनो यहां पर क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, चौथा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, मतलब क्या हुआ, चार तो क्रॉसिंग की वजह से डायरेक्ट आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डाइवर्ज को लेना नहीं है, मर्ज को लेना है। हमने बोला यहां से आ रहा था व्हीकल और उसको यहां पे मूव करना था एक पॉइंट, यहां से जा रहा था इसको यहां पे मूव करना था दो पॉइंट, इसको यहां से यहां पे मर्ज करना था तीन पॉइंट, और यहां से इसको यहां पे मर्ज करना है चार पॉइंट, चार पॉइंट और हो गए, चार पॉइंट किसके हो गए, मर्जिंग के। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि ये कोई व्हीकल है, ये कोई व्हीकल जा रहा है इस लेन में और इस व्हीकल को इस लेन में आना है, ये वाले जो लाइन है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आना है, तो कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वीविंग क्रिएट होगा। वीविंग का मतलब हुआ जिस पॉइंट पे डाइवर्ज कर रहा है उसी पॉइंट पे मर्ज कर रहा है,
डाइवर्ज और मर्ज जिस पॉइंट पे होता है उसी को अपन क्या करते हैं, वीविंग सेक्शन। और वीविंग के सेक्शन की वजह से क्या होगा, चार क्रॉसिंग और इंक्लूड होंगे। देखो कैसे होगा, हम बोल रहे हैं ये वाला रोड है, रोड बी पे जा रहा था ट्रैफिक, ट्रैफिक को कहाँ पे आना था, रोड ए पे आना था, तो उसने स्टार्ट किया यहाँ से, एक कट, दो कट और तीन कट, मतलब क्या हुआ, तीन, एक दो और तीन, तीन क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। अब हर जगह से देखो, यहाँ पे ये जो है रोड है, यहाँ से आना था और उसको यहाँ पे जाना था, इस वाले को अपन को यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो क्या करेगा वो, यहाँ से एक दो और तीन पॉइंट। सेम चीज़ यहाँ पे, इसको वाले को ट्रैफिक को इधर जाना है, क्या करेंगे, एक दो तीन ट्रैफिक, एक दो और तीन, ठीक है, ये तीन तो आ ही रहे थे, देखो बीच में एक दो क्रॉसिंग भी आ गए। सेम चीज़ आपको यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ पे जाना था, तो ट्रैफिक को इधर से एक कट, दो कट और तीन कट, एक कट, दो कट और तीन, तीन कट। मींस क्या हुआ, तीन इधर से, तीन इस वाले लाइन से, तीन इस लाइन से, तीन इस लाइन से और तीन इस लाइन से, मतलब क्या हुआ, तीन छः नौ और क्या हुआ, ट्वेल्व, ये कितने हैं, ये है वीविंग सेक्शन, ये क्या हुआ, वीविंग सेक्शन। अब इस वीविंग सेक्शन की वजह से चार कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बीच में, एक दो और तीन और चार, ये बीच में जो चार कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बचे हैं वो क्या है, वो क्रॉसिंग है। किसकी क्रॉसिंग की वजह से, कि हम बोल रहे हैं कि रोड ए से रोड बी पे जा रहा था, उसी टाइम ऐसा हुआ कि यहां से कोई व्हीकल आ रहा है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में काउंट होगा, तो वहां पर भी चार क्या हो गए, बीच में क्रॉसिंग इंक्लूड हो गए, मतलब कि चार एक्स्ट्रा क्रॉसिंग इंक्लूड हो गए। देख लो, अपन ने डाइवर्जिंग को नहीं लिया, कितने हुए टोटल, कितने हुए, 24, अब क्या हुआ नेक्स्ट, इसमें देखो डाइवर्ज कहां से कर रहा था, जब हम रोड ए से जा रहे थे और रोड बी की तरफ जा रहे थे, डाइवर्ज करना था, हमने बोला व्हीकल ऐसे जा रहा था, यहां से डाइवर्ट हुआ और यहां पर गया, मतलब कि यहां पर जो ये पॉइंट है ना, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करते, क्यों नहीं करते, इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग पॉइंट को हम बोलते हैं माइनर, माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को अपन, माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का हम ये बोलते हैं, इसका पोटेंशियल जो है वो कम है, इनका पोटेंशियल कम है, इसीलिए अपन इसको इंक्लूड नहीं करते। तो आप देख लो, यदि 24 नहीं यहाँ पे क्या होता, यदि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को उसको भी ऐड कर देते तो अपने क्या होते, 32 होते, लेकिन अभी क्या है आंसर, आंसर होगा 24, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक सिग्नल्स के लिए। सिग्नल्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रोड पे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल और क्या बोलते हैं एम्बर टाइम, एम्बर टाइम मतलब क्या हुआ, येलो सिग्नल, इनका कैसे अपन इंक्लूड करते हैं, मतलब इनके डिजाइन की क्या मेथड है। देखो, हम बोल रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल मेथड्स, याद करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ट्रैफिक सिग्नल्स मेथड के चार आपके मेथड है, कौन कौन से, एक है आईआरसी मेथड, एक है अप्रोक्सीमेट मेथड, एक आपका क्या है वेबस्टर मेथड, और एक अपन बेसिकली अपन करते हैं जो नॉर्मल डिज़ाइन मेथड है उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, हम सबसे बात कर रहे हैं कि ग्रीन टाइम, येलो टाइम और एम्बर टाइम, एम्बर टाइम को येलो टाइम भी बोलते हैं अपन, ठीक है, इसको अपन कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, पहले सुनना, हम बोल रहे हैं वही इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये रोड ए है, ये रोड बी है, ठीक है, रोड ए पे हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो ये विड्थ है इसको हम बोल रहे हैं डब्ल्यू ए, यहां पर जो रोड की विड्थ है ये है हमारी डब्ल्यू बी, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है एस एस डी, और ये व्हीकल है, और ये व्हीकल की लेंथ जो है उसको अपन ले रहे हैं एल। बेसिकली क्वेश्चन में लिखा होता है 6 मीटर, क्यों, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि व्हील बेस की लंबाई जो है, व्हील बेस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ व्हील बेस वो 6 मीटर लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ व्हीकल जो है वो आपका 6 मीटर है, लेकिन बेसिकली याद रखना कि लेंथ ऑफ व्हीकल डिपेंड करता है, यदि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुछ और दे रखा है 6 मीटर से, 6 मीटर से, तो आपको वो लेना है, यदि नहीं आपको क्वेश्चन में वही दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, बोला है आईआरसी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन लेनी है, तो अपन बोलेंगे 6 मीटर इंक्लूड कर लेंगे। अब सुनना, आपके पास कितने टाइम सिग्नल में क्या क्या होता है, आपके पास एक होता है ग्रीन सिग्नल, एक होता है रेड सिग्नल,
और एक होता है येलो सिग्नल, और येलो सिग्नल को ही बोलते हैं एम्बर टाइम, एम्बर सिग्नल या एम्बर टाइम, ठीक है। ओके, सुना, हम बात कर रहे हैं रेड की, बात कर रहे हैं तो रेड, हम बोल रहे हैं रेड टाइम। रेड टाइम को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आर। अब क्या है, आपके दो रोड हैं, एक है रोड ए, एक है रोड बी, दो रोड हैं, रेड टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं रोड ए के बारे में, बात करूं कि रोड ए पर क्या होगा, तो आप सुनना, ये आपका एक रोड ए है, इस रोड पे आपका क्या होगा, जब रेड टाइम होगा तब आपके इस वाले मूव रोड पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। मींस क्या हुआ, जब सिग्नल यहाँ पर रेड होगा तो इस वाले ट्रैफिक पे ये वाला ट्रैफिक क्या होगा, मूव होगा। और ये वाला ट्रैफिक मूव कब हो सकता है, या तो वहाँ पे ग्रीन हो या क्या हो, येलो लाइट हो, और येलो का क्या बोलते हैं अपन, एम्बर लाइट हो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि या तो येलो लाइट हो या फिर आपके पास ग्रीन लाइट हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ के लिए रोड ए पर यदि रेड टाइम है तो वहां पर कौन से रोड बी पर क्या होना चाहिए, या तो ग्रीन टाइम होना चाहिए या येलो टाइम होना चाहिए। तो हमने बोला कि या ग्रीन टाइम बी रोड पर जितना होगा और एम्बर टाइम जितना बी रोड पर होगा, वो जो टाइम लेगा उतना ही रेड किस पे होना चाहिए, ए पर होना चाहिए। अपोजिट सेम मैंने बोला, अभी क्या है, रेड जो है वो किस पे है, बी पे है, मतलब कि रोड बी जो है उस पे रेड है। तो हम क्या बोलेंगे, जब रेड होगा बी रोड पर तो ए रोड पर क्या होना चाहिए, उस टाइम जब रोड बी वाला जो है वो ट्रैफिक रुका हुआ है तो ए पर क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। और मूवमेंट कब होता है, जब आपके पास क्या हुआ, ग्रीन है ए पर और एम्बर है ए पर। घूम फिर के एक चीज कि रोड ए और रोड बी पर आपका रेड टाइम कैसे इंक्लूड करेंगे, अपोजिट जो आपका डायरेक्शन से रोड है, अपोजिट डायरेक्शन में रोड है या जो इंटरसेक्शन में रोड है, उसका ग्रीन प्लस एम्बर टाइम जो लेंगे उसको काउंट करके, मतलब जो उसका टाइम है सेकंड्स में, वो अपन जो ऐड कर लेंगे, वो ऐड करने के बाद जो आएगा वो अपना क्या होगा, रेड टाइम, ठीक है। ग्रीन टाइम अपन किसके ऊपर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ग्रीन टाइम डिपेंड करता है पर्टिकुलर ट्रैफिक पे, कि उस पर्टिकुलर रोड पे कितना ट्रैफिक का मूवमेंट है। तो ट्रैफिक ग्रीन टाइम को अपन उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। हम बात करते हैं एम्बर टाइम की, कि एम्बर टाइम कैसे डिजाइन करना है। एम्बर टाइम किसकी बात कर ली अपन ने, रेड टाइम के बारे में बात कर ली, कि रेड टाइम कैसे डिनोट करने, एम्बर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन टाइम के बारे में मैंने क्या बोला, कि ग्रीन टाइम किसके ऊपर बेसिस होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके वहां पर ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, कि ट्रैफिक कितना मूव कर रहा है, उस पर्टिकुलर रोड की क्या कंडीशन है, कंडीशन इन द सेंस कि वो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट मोड पे, या फिर बेसिकली क्या बोलते हैं, गुड्स सर्विसेज के लिए किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका टाइमिंग क्या रखना है, कितने सेकंड रखना है। एम्बर टाइम जो है वो दो पे डिपेंड करता है, इसका क्या है, दो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, और उन दोनों फॉर्मूले का जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ टू, उन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको अपन इंक्लूड करेंगे एम्बर टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ये कि एम्बर टाइम को आप पहली बात तो यहां पर लिखो कि टाइम होता क्या है। हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हम बोल रहे हैं कि टाइम जो है, टाइम को निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। वेलोसिटी लिख दोगे यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ऑफ व्हीकल, तो हम क्या बोलेंगे, टाइम निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि टाइम निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं आपके पास, और उन दोनों फॉर्मूले में से जो मैक्सिमम होगा उसको आप प्रोवाइड क्या करोगे, एम्बर टाइम प्रोवाइड करोगे। तो हम बोल रहे हैं इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम एम्बर टाइम प्रोवाइड करवाएंगे, और मैक्सिमम क्या होगा, देखो सुनना, एक फॉर्मूला तो क्या है उसका, एम्बर टाइम टी ए, एम्बर टाइम होना चाहिए बराबर में एस एस डी प्लस में व्हीकल, ये मैं बात कर रही हूँ रोड ए के लिए, विड्थ ऑफ रोड बी प्लस में लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। अब देखना ये कैसे आया,
कैसे आया? देखो ये ऊपर क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस होना चाहिए था, और नीचे क्या होना चाहिए था, स्पीड होनी चाहिए। अब आपको ये तो बता दिया मैंने कि स्पीड ऑफ व्हीकल क्या होगा, जो आपको दे रखा होगा कि कौन सी स्पीड से व्हीकल चल रहा है, या डिजाइन स्पीड ले लेंगे अपन उस पर्टिकुलर रोड के लिए, अपन ने डिजाइन क्या किया है वो अपन डिजाइन स्पीड ले लेंगे। ये तो ये स्पीड ऑफ व्हीकल तो हो गया। ऊपर वाला देखो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कैसे इंक्लूड किया। हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि रोड पर, हम रोड ए के बारे में बात कर रहे हैं, कि यदि रोड ए पर आपका क्या होगा, आपको निकालना है वैल्यू, तो हम क्या बोल रहे हैं इस वाले पर एम्बर कितना होना चाहिए। यहाँ पर एम्बर कितना होना चाहिए कि आपका रोड जो है यहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इस रोड से आपका व्हीकल आया स्टॉप नहीं हो पाया, इसलिए अपन ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्लूड करी। बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है मतलब क्या हुआ, आपको विड्थ क्रॉस करनी पड़ेगी, तो एसएसडी प्लस में इस वाले की विड्थ। रोड बी के लिए निकाल रहे हैं तो रोड ए का विड्थ, रोड ए के लिए निकाल रहे हैं तो रोड बी का विड्थ, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहां पर एसएसडी प्लस में ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको आगे जाना पड़ेगा ना यहां से, तो हम क्या बोल रहे हैं ये विड्थ प्लस में लेंथ ऑफ व्हीकल, क्योंकि लेंथ ऑफ व्हीकल जब यहां पर आ जाएगा, मतलब लेंथ यहां पर आ जाएगी, तब ये सेफ जोन में, सेफ जोन में मतलब क्या हुआ, अब यहां से मूवमेंट होगा तो कोई भी ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होंगे। तो हम ये बोल रहे हैं ये सेफली यहां पर था और ये यहां से यहां पर पहुंच जाए, इस पर्टिकुलर लेंथ में क्या चाहिए, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, ये इंक्लूड हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर लेंथ में क्या होगा, ये एसएसडी भी इंक्लूड होगी, ये विड्थ भी इंक्लूड होगी, और ये क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ व्हीकल भी इंक्लूड हो गई। यदि हम बात कर रहे हैं रोड बी की, तो आप हमेशा याद रखना कि विड्थ किसकी होगी, रोड ए की होगी। और यदि हम बात कर रहे हैं ऐसे, हम बोल रहे हैं व्हीकल यहां पे खड़ा था और व्हीकल यहां पे जा रहा है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये तो हो गया एसएसडी, ये विड्थ ऑफ व्हीकल मतलब डब्ल्यू बी, और ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस जो होगी होगी लेंथ, लेंथ ऑफ व्हीकल। तो यहां पर जाने के लिए अपोजिट साइड का, यहां पर जाने के लिए अपोजिट साइड की विड्थ। तो ए फॉर्मूला तो हो गया एसएसडी प्लस में विड्थ ऑफ रोड बी, या फिर लिख दो विड्थ ऑफ अनोदर रोड प्लस में लेंथ ऑफ व्हीकल अपॉन में स्पीड ऑफ व्हीकल, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा सुनना, दूसरा क्या है, टाइम ऑफ एम्बर टाइम इक्वल्स टू रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम प्लस में ब्रेकिंग टाइम, रिएक्शन टाइम प्लस में ब्रेकिंग टाइम। रिएक्शन टाइम क्या है, टी ए प्लस में रिएक्शन टाइम हो गया आपका टी आर। रिएक्शन टाइम को अपन 1.5 भी ले लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो आप 1.5 ले लेना, यदि नहीं आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा है तो आप उसको इंक्लूड कर लेना। तो रिएक्शन टाइम प्लस में ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम होता है आपका स्पीड, स्पीड ऑफ व्हीकल अपॉन में डिस्टेंस, स्पीड ऑफ व्हीकल यू प्लस में ए, एक्चुअली ए क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है आपका रिएक्शन टाइम, ये है आपका ब्रेकिंग टाइम, दोनों को इंक्लूड करोगे तो इन दोनों में से, इन दोनों फॉर्मूले में से जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों की वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा वो ही क्या होगा आपका आंसर होगा। एक चीज और याद रखना कि जब भी हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, अंबर टाइम पे क्वेश्चन आता है, ये कन्वेंशनल में आ भी गया। थैंक यू गणेश, ओके चलो नेक्स्ट। अब देखो सुनना, यहां पर अपन एम्बर टाइम का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि कन्वेंशन में आता हुआ है, मतलब ईएससी के कन्वेंशन में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपसे या तो डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है इन द सेंस कि आपको दोनों, आपको क्वेश्चन वैल्यूज दे रखी है आपको, और आपको डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपसे एम्बर टाइम पूछ रहा है और रिएक्शन टाइम पूछ रहा है, मतलब एम्बर टाइम का दोनों में से मैक्सिमम निकालना है आपको, या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कन्वेंशनल में, कि कन्वेंशनल में क्वेश्चन आता क्या है कि आपका इन दोनों में से एम्बर टाइम निकालो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक इसी पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है, जो पीडीएफ अपलोडेड है, जो पीडीएफ अपलोडेड है उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो एक बार देख लो, एक बार मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे भी दिखा देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे सिर्फ और आपको क्या करना है, सिर्फ दो आपको फॉर्मूले लगाने हैं, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, सिर्फ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि कितना आपको एम्बर टाइम कितना है। सुनना, अ ड्राइवर क्वेश्चन सुनो,
अ ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर वॉज साइन क्रॉसिंग एन इंटरसेक्शन सुना क्वेश्चन देखो आपसे कार लेंथ दे रखी है लेंथ ऑफ कार दे रखा है और रिटार्डेशन दे रखा है क्वेश्चन देख लो एक बार ढंग से क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है सुना अ ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ स्पीड तो 80 किलोमीटर पर आवर है और वो क्या बोल रहा है कि साइन क्रॉसिंग एंड इंटरसेक्शन क्रॉस किया ही क्लेम्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ एम्बर डिस्प्ले वाज इम्प्रॉपर तो अपन को बेसिकली क्या निकालना है उसने बोला कि जो एम्बर टाइम है वो क्या है इम्प्रॉपर है जो एम्बर टाइम है वो अपना क्या है इम्प्रॉपर है तो हम ये याद रखेंगे कि हमको बेसिकली एम्बर टाइम निकालना है क्वेश्चन में गिवन क्या है क्वेश्चन में दिया है कि एम्बर टाइम 4.5 सेकंड दे रखा है क्वेश्चन में टीआर रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है 1.5 सेकंड दे रखा है नेक्स्ट विड्थ दे रखी है इंटरसेक्शन विड्थ यहाँ पर रोड ए और रोड बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला सिर्फ ये दे रखा है कि आपको विड्थ दे रखी है इंटरसेक्शन विड्थ कितनी है 15 मीटर लेंथ ऑफ कार कितनी दे रखी है 4.6 मीटर लेंथ ऑफ कार और रिटार्डेशन रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ कि स्पीड को स्लो करना पड़ेगा तो एक्सलरेशन नहीं होगा तो इससे अपन ने रिटार्डेशन लिख दिया नेगेटिव नहीं लिख रहे डायरेक्ट रिटार्डेशन लिखा इसका मतलब क्या है ये ए है और ये क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूला कितना लगाना है फॉर्मूला लगाने हैं दो कौन कौन से फॉर्मूला निकाल लगाने फर्स्ट फॉर्मूला एम्बर का निकालना है वो क्या है टी ए एम्बर टाइम बराबर में एस एस जी प्लस में विड्थ प्लस में लेंथ ऑफ व्हीकल अपॉन में क्या है स्पीड ऑफ व्हीकल अब यहां पर क्या नहीं दे रखा सबसे पहले तो एस एस जी निकालो क्योंकि एस एस जी दे नहीं रखी एस एस जी क्या होते हैं वी इंटू में टी प्लस में हाफ ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में जी अपॉन में एफ वी क्या है V क्या है V आपका स्पीड है और स्पीड का आपको क्वेश्चन में रखी 80 किलोमीटर पर आर 80 किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें 80 अपॉन में 3.6 इंटू में यहाँ पर रिएक्शन टाइम दे रखा है अपन बेसिकली जब क्वेश्चन करते हैं SSD का क्वेश्चन करते हैं तो अपन 2.5 लेते हैं लेकिन यहाँ पर रिएक्शन टाइम कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है तो कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 1.5 लिखना पड़ेगा 80 डिवाइडेड बाय 3.6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 इंटू एफ अब सुनना एफ कैसे निकालना है एफ क्या होता है एफ होता है ए अपॉन में जी और ए आपको क्वेश्चन में रखा है 3 अपॉन में जी कितना होता है 9.81 वैल्यू निकालो सुनना वैल्यू कितनी हुई 3 डिवाइडेड बाय 9.81 कितना हुआ 0.305 लिख लो 0.31 लिख लो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.31 यहाँ से वैल्यू निकालो SSD की वैल्यू क्या आ रही है 80 डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस में 80 डिवाइडेड बाय 3.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू में 0.31 ओके
कितनी आई है 114.52, ये तो आपका SSD आया है अभी तक, ठीक है। अब अपन गिवन टाइम को हटा दें, ये सारे गिवन टाइम को यहाँ पे हटा दो, ये याद रखो ये 15 मीटर है और कार की लेंथ कितनी रखी 4.6 दे रखी है, ठीक है यहाँ पे लिख लो। अब सुना, आपको SSD कितना आया 114.52, विड्थ कितनी दे रखी थी 15 मीटर और आपको लेंथ ऑफ व्हीकल कितना दे रखा था 4.6 डिवाइडेड बाय आपका स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल तो पहले दे रखा था 80, अपन ने सारी टर्म्स किस में लिए है मीटर पर सेकंड में, तो इसको चेंज करके किस में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है। तो निकालो 114 में 52 प्लस में 15 प्लस में 4.6 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 3.6, आंसर आया 6.034। टाइम है ना, टाइम किस में होगा सेकंड में होगा, सारी वैल्यू आपकी क्या है सेकंड में है, टाइम किस में लोगे सेकंड में लोगे। हमने बोला ये तो निकाल लिया हमने, ये तो हो गया एक कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर टू क्या थी, कंडीशन नंबर टू जो है वो क्या थी एम्बर टाइम के लिए कि टी ए इक्वल्स टू टी आर प्लस में यू अपॉन में ए। हम क्या बोल रहे थे टी आर कितना था, टी आर था 1.5 प्लस में यू कितना है 80, 80 को चेंज करोगे किस में 3.6 मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 3.6 का डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाय 3, क्या है आंसर 80 डिवाइडेड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 1.5, आंसर आया 8.9 सेकंड। अब याद रखना क्या बोला था मैंने, मैंने बोला था कि जब भी एम्बर टाइम निकालते हैं तो फॉर्मूले जो निकालते हैं दो कंडीशन में से मैक्सिमम लेते हैं। एक आंसर तो हमारे पास आया 6.034 सेकेंड और एक आंसर अपने पास क्या आ रहा है 8.9 सेकेंड। एक क्या आंसर आ रहा है 8.9 सेकेंड, किस पे टिक करोगे 8.9 सेकेंड पे टिक करोगे, 8.9 सेकेंड पे टिक करोगे, क्यों, क्योंकि दोनों में से क्या है मैक्सिमम है, ठीक है ओके। तो आपका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा 8.9 सेकेंड कंडीशन नंबर टू। तो आपका यहाँ पर एम्बर टाइम जो होगा वो 8.9 होगा और उसका क्लेम सही था, क्या बोला था उसने कि ही क्लेम दैट ड्यूरेशन ऑफ एम्बर डिस्प्ले वॉज इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर था क्योंकि आपका डिस्प्ले तो था एम्बर टाइम का जो डिस्प्ले था वो 4.5 सेकंड बोला था, लेकिन आ क्या रहा है जब आपने फॉर्मूला निकाला तो आ रहा है आपका 8.9 सेकंड। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है 8.9 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है ट्रायल साइकिल मेथड। इसके क्वेश्चन और ट्रायल साइकिल मेथड दोनों ही क्या करेंगे अपन कल से स्टार्ट करेंगे, कल पढ़ेंगे आपके चारों मेथड और उसके आंसर्स, मतलब उसके एक्चुअली क्वेश्चन जो से रिलेटेड है, ठीक है ओके।